नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के बारे में, और ये सेट दूसरा होगा जो कि RRB NTPC रेलवे के एग्ज़ाम और ग्रुप डी और आगे आने वाले अन्य एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। GK GS का ये स्टैटिक GK का मॉक टेस्ट चल रहा है, आज ये दूसरा सेट है। तो आपसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी स्थित है खड़गवासला में, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस इसके क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात में है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है, ये नहर है कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती है। मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती वो नदी है ताप्ती, बाकी कावेरी, महानदी और गोदावरी सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं। तो ये आदिवासी लोग हैं निकोबार के, ठीक है, अंडमान निकोबार में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पूछा गया। तो सोमपेंस जो होती है वो निकोबार में पाई जाती है, निकोबारी जनजाति भी इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है देश में प्रथम विद्युत रेलवे कब चलाई गई थी, ये चलाई गई थी 1925 में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, केवल 17 है यहाँ पर। मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर यहाँ पर नॉर्मली रक्त होता है मनुष्य के शरीर में। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था फैराडे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन इकाई है, न्यूरॉन किसकी इकाई है, तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी। ब्लैक होल का सिद्धांत की खोज की गई थी एस चंद्रशेखर के द्वारा। अगला है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना की थी बल्लभाचार्य ने। पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया था। पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को महिपाल ने स्थापित किया था। दिल्ली की सल्तनत के मुख्य भारी, मतलब ये पूछ रहा है दिल्ली की सल्तनत को मुख्य भारी खतरा किससे था, मुगलों, ईरानियों, अफगानों से, तो इनको किसी से खतरा नहीं था। इनमें से कोई राइट आंसर हो जाएगा, नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक थे। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक विनोबा भावे थे यहाँ पर। मगध में शाही मौर्य के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन हुए हैं, ठीक है, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया ये पूछा गया है, तो यहाँ पर मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया है। 19 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे। बिंबसार के शासनकाल में दोनों ने उपदेश दिए हैं। जहांगीर महल स्थित है कहाँ पर स्थित है, तो ये आगरा किले में स्थित है जहांगीर महल। अगला क्वेश्चन है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र क्या था। मदुरई यहाँ इनका राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था पांड्यों का, वही सही क्रम क्या है जिसके हिसाब से होड़ कुषाण आर्य यूनानी भारत में आए थे, आक्रमणकारी थे, तो
तो किस सबसे पहले कौन आया ये पूछा गया, उसके बाद कौन आया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पहले आर्य आए हैं, उसके बाद यूनानी आए हैं, फिर आए हैं कुषाण, फिर आए हूँ। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, आर्य, यूनानी, कुषाण और हूण, ये इसका सही क्रम है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था, तो हूणों के आक्रमण के कारण गुप्तों का पतन हुआ था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। कामरूप असम का प्राचीन नाम होता है, ठीक है। अहिल्याबाई रानी थी, कहाँ की थी, अहिल्याबाई रानी ये थी ग्वालियर की। अगला क्वेश्चन है, मुरिस यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि वो कैसी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ज़्यादातर व्यापार करते थे। 30 का ऑप्शन यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। महाबलीपुरम के मंदिर जो हैं किस राजवंश के बादशाह द्वारा बनवाए गए, तो ये बनवाए गए पल्लव। आगरा एवं आगरा के मध्य टेलीग्राफ, सॉरी कलकत्ता एवं आगरा के मध्य टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी, 1852 में ये चली थी। 1853 में रेलगाड़ी चली है, प्रथम रेलगाड़ी चली मुंबई से ठाणे के बीच में, और टेलीग्राफ लाइन हुआ 1852 में। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया, तो वह प्लेटिनियम। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है, मेथेनॉल को किस नाम से भी जाना जाता है, मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जिनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, नायलॉन, नायलॉन जो है ये कृत्रिम है, इसको हम लोगों ने बनाया है, बाकी ऊन हो गया, सिल्क हो गया, चमड़ा हो गया, ये सारे प्राकृतिक बहुलक हैं। अम्लराज का मिश्रण क्या होता है, इसका अनुपात बताना है, तो 3:1 होता है, तो 3 HCl का होता है पार्ट, 1 HCl होता है HNO3। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है, नियंत्रित विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है, तो CV रमन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, CV रमन। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, लद्दाख जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पंजाब में 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को किसने लौटा दिया था, तो ये लौटाया था रविनाथ टैगोर ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि को लौटाया था, और रविनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटाया था। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को किस अनुच्छेद के तहत निषेध किया गया है, ये अनुच्छेद है आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत जो है वो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दिया गया है। भारत के संविधान सभा की जब 31 अक्टूबर 1947 को बैठक हुई थी, तो इसकी घटी हुई संख्या कितनी थी, घटी हुई संख्या थी 299। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है किससे, सरकार द्वारा ऋण लेकर। बाजार में बिक्रय 18 कैरेट सोने में क्या होता है, उसमें 18 अंश सोना होता है और 6 अंश अन्य धातु होती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे कम कुल वनाच्छादित क्षेत्र है, ये हरियाणा का, ठीक है। सबसे अधिक अगर पूछा है तो मध्य प्रदेश MP का, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है मिजोरम का। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लांट जो है कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है, इसका स्थित है भद्रावती में।
अड्यार किस राज्य के शासक थे? अड्यार शासक थे ये विजयनगर के। और विजयनगर की स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में, हरिहर और बुक्का ने की थी। दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विलियम बेंटिंक को। केनान पद किस खेल के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है बिलियर्ड्स के खेल में। ब्लैक पगोड़ा निम्नलिखित में से किस देश स्थान में अवस्थित है? ब्लैक पगोड़ा कहते हैं सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है उड़ीसा में, इसको ब्लैक पगोड़ा कहते हैं। और इसका निर्माण गंग वंश के शासकों ने नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था इसको। चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? पूर्णिमा के दिन ये चंद्रग्रहण होता है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन सभापति। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स जो फली वाली सब्जियां होती हैं जो भी होता है ठीक है, तो वो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक होती हैं। द हेग नीदरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत किसे माना जाता है? तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? ये बनी होती सिलिकॉन की। एचगान किस राज्य का प्रसिद्ध नाट्य है? एचगान है कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है कौन सा नगर संतरे के लिए मशहूर है? संतरे के लिए नगर मशहूर है नागपुर। जेम्स बॉन्ड से बनाया गया पात्र क्या है, उसको क्या कहेंगे? ये होगा इयान फ्लेमिंग। जेम्स बॉन्ड जो है इयान फ्लेमिंग से बनाया गया पात्र है ये। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन हैं? तो ये हैं SHFJ मैनेक्सा, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए और सबसे बाद में गए हैं, इन्होंने सबसे पहले व्यापार स्टार्ट किया था। सन 1336 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में की गई थी? तो की गई थी 36 का अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, निम्नतम परत को कहते हैं शोभमंडल। अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर नापने अपेक्षित आर्द्रता 69 का ऑप्शन चौथा हो जाएगा, सॉरी तीसरा। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत जो है 8वीं बार अस्थायी सदस्य के रूप में इस बार चुना गया है। चांद बीवी जिसने बीरार को अकबर को सौंपा था कहाँ की शासिका थी? चांद बीवी शासिका थी अहमदनगर की। निम्न में से कौन पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई थी? किस पंचवर्षीय योजना पूछा गया है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे? ये हुए थे जॉन सेकंड के काल में। हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दीघाटी युद्ध लड़ा गया 1576 में। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? यह था थानेश्वर। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित? मुख्यालय स्थित है मनीला फिलीपींस में, इसका मुख्यालय है। इनमें से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक है 4096 किलोमीटर। इसकी ट्रिक भी होती है बचपन में MBA, तो उसके हिसाब से बांग्लादेश, चाइना, फिर म्यांमार, इस टाइप से। सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ में। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय प्रयाग में, सॉरी जिनेवा में।
79 का चौथा हो जाएगा, जिनेवा में इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई होती है और जूल कार्य की भी इकाई भी होती है, ठीक है, दोनों की इकाई जूल होती है। तो ये था आज का हमारा चौथा मॉक टेस्ट, सॉरी दूसरा मॉक टेस्ट है ये। आप सभी को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में आप सभी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।